सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं मायावी के साथ। सो रिसेंटली मायावी जब लाइव होते हैं तो यहाँ पर वो मवी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वो ये भी बोलते हैं कि यार एक मोमेंट तो ऐसा भी आया कि टीओ ने मवी के पीओवी को मांग लिया मवी के परफॉर्मेंस को देख करके। निंजा भाई प्लीज मवी के बारे में दो शब्द ही बोलिए बस। जोन में दो शब्दों में मवी को इससे बढ़िया कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुमको कहानी बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसका है, बट उस बंदे को डाउट हो गया कि मवी का आईडी से कोई और खेल रहा है। उस बंदे ने मवी का पीओवी मंगाया है कि इतना गंदा कैसे मार रहा है। मवी सच में परसों बहुत तगड़ा मारा है भाई, कम से कम 20-25 किलो मारा है मवी ने उस दिन। बहुत मारा भाई। भाई मवी पाजी ने इंडिया को #2 लाया था, फिर भी पूरी कम्युनिटी डेड प्लेयर बोलता है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लो भाई को, दोबारा प्रूफ करते हैं उसके बाद बातें करेंगे इस बारे में, है कि नहीं? बोलने वाले तो बोल, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बोलने वाले तो बोलते रहेंगे यार। एंड वही मायावी के बारे में आगे बात करें तो यहाँ पर वो सैगी वाली टीम के बारे में बात करते हैं, एंड ओवरऑल किस तरीके से एंड किस वजह से हमें डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह देखने को मिला। सो गाइस आप लोगों को पता है यार, अपना ना कुछ अभी नॉर्डविन के BGMS में क्वालिफायर्स में थोड़ा सा इधर उधर हुआ मामला। दोनों ग्रुप्स के अंदर एक एक टीम को DQ करते हुए आपने सुना, दोनों ही ग्रुप्स में एक एक टीम का रिंगिंग का एक एलिगेशन लगा है। पहले मैं अपने वाले ग्रुप का बताया था, देन आई विल कम टू केमिन उर्फ राइवलरी उर्फ जीफाड़ उर्फ बुडफाड़। सो हमारा जो ग्रुप था उसमें टीम WHO थी, आपकी फेवरेट साइकी भैया की टीम थी, और जिसमें रिंगिंग एलिगेशन था वो था टीम स्पाई पे। जो टीम्स क्वालिफाई नहीं करी उन्होंने सारी इंक्वायरी खुद से कर ली, और बहुत सारी इंक्वायरी करने के बाद कुछ ऐसे सस्पिशियस क्लिप्स और सस्पिशियस रिंगिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस और कुछ भी क्लिप्स सबने इकट्ठी करी और सबने नॉर्डविन को दे दी, एंड नॉर्डविन ने काफ़ी हद तक उसे कंसीडर किया। 2 दिन लिए पूरे, बीच बीच में पूरे 25-25 लोगों के साथ मीटिंग्स हुई, और बाद में डिसीजन जो आया वो यही आया कि ना सैगी की टीम हैकर पाई गई है और ना ही रिंगिंग के केस में टीम स्पाई के अगेंस्ट कोई बहुत वैलिड प्रूफ है। ठीक है जी, रही बात दूसरे ग्रुप की, तो दूसरे ग्रुप में विन स्मोक को हैकिंग एलिगेशंस के चलते कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को सही प्रूफ कर सके, तो इस वजह से उन्हें DQ किया गया। बहुतों का गेम खराब हुआ इसलिए रीमैच भी कराया गया, और रिंगिंग में राइवलरी जो क्वालिफाई कर चुकी थी उन्हें दोबारा खेलने का मौका मिला है। देखो एक्चुअली में वो पूरा रिंगिंग का मैटर था नहीं, रिंगिंग जो क्लैरिटी होती है ना प्रॉपर की एक प्लेयर 2 जगह से खेला है, वो चीज तो कोई प्रूफ नहीं कर पाया, बट हाँ जो एलिगेशंस लगे हैं कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स की तरफ से, सो नॉर्डविन ने उसको भी कंसीडर कराया। ऐसा नहीं है कि एक तरफा, आई एम प्रीटी श्योर जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स केमिन के और जितना अच्छा रिलेशनशिप जीफाड़ का है नॉर्डविन के साथ, दे कुड हैव इजीली मैनेज, बट स्टिल आई एम रियली प्राउड ऑन व्हाट नॉर्डविन केम अप विद विद बोथ द ग्रुप्स। लाइक मेरी खुद की टीम क्वालिफाई नहीं करी, एंड NTT को क्वालिफाई करा दिया गया है, कोई रीमैच हमारे ग्रुप से नहीं हुआ। दूसरे ग्रुप में रीमैच हुआ, राइवलरी को दोबारा मौका दिया खेलने का, बट जो पहले खेले थे उसमें क्वालिफाई कर गए थे, इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए। 13 टीमों की लॉबी थी या 12 टीमों की लॉबी थी, 2 टीमें क्वालिफाई करनी थी, एक का तो नाम इन्होंने गलती से बता दिया। एंड यहाँ पर आपने मार्कस गेमिंग का नाम तो देख ही लिया था, बट अब बात कर लेते हैं ओवरऑल टीम की जो क्वालिफाई होते हुए नजर आई है लैन के लिए, एंड ऑन स्क्रीन आप वो देख ही पा रहे होंगे। एंड हैकिंग सिनेरियो को आगे रिलेट करते हैं तो यहाँ पर आईफ्लिक भी इस चीज के बारे में बात करते हैं, ये बोलते हैं यार आपको लग रहा है ये चीज अभी हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत टाइम से चलती आ रही है, एंड सैगी तो इस वजह से पकड़ा गया था क्योंकि उसने लाइव स्ट्रीम पे ये चीज करी थी। एटलीस्ट एक चीज पे, इस एक चीज पे एटलीस्ट आई एम एबल टू सी द होल कम्युनिटी इज कमिंग टुगेदर, वो भी गॉड लाइक भी और सोल भी साथ में, जी भी साथ में, सब लोग साथ में एकदम, यू नो यूनिटी तो है सही बात पे। तो होल ट्रूथ बहुत, मैंने मेरा मतलब ऐसा प्लेयर्स का एक दो ऐसा गिन चुने, मेरे पास बहुत सारे प्लेयर्स है ऑनेस्टली जिनका एलिगेशन अच्छा खासा है, जो लोग पहले करता था फिर बैन हो गया फिर बाद में गायब हो गया फिर वापस आके अपना यू नो लेजिट मार के अंदर बना दिया, बहुत सारा मेरे को भी पता है, बट वही है कि कोई कुछ खोज प्रूव नहीं है। ये हैकिंग वाला सीन जो है गाइस, ये अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी से है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये बहुत पहले की चीज है, बस इतना है कि हैकी ने लाइव में किया, सॉरी सैगी ने लाइव में हैक किया या फिर चीट किया, जिस वजह से उसकी तो मार दी भाई बस कर। बाकी अब द ग्राइंड की बात करें तो ओवरऑल स्टैंडिंग आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे होगे, एंड यहीं पर 8-bit का एलिमिनेशन हमें देखने को मिला जिसके चलते स्काउट और सिड यहां पर रिएक्ट करते हैं इस चीज के ऊपर। तो मैं इतना प्राइसिंग का बोलूंगा ना आप लोगों को, फोर्स नहीं करूंगा, बट मिलना है तो भाई आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है कि वीआई पास लो, लैंडस्केप मारो और अपन खेलते कुछ चिल करते हैं।
सुनो इनका क्वालिफायर्स कब है? इन लोग हो गए ना क्वालिफाई? मर्सी को टारगेट क्यों किया तूने? कोई बात नहीं करेंगे तो कौन करे भाई? यही रीति है भाई दुनिया की, एक टूर्नामेंट में हैशटैग वन, एक में क्वालिफाई होने के तो हो सकते हैं अभी क्वालिफाई हो सकते हैं, मतलब अभी पहली सीढ़ी थोड़ी सी फिसल गई है पुराने पॉइंट टेबल के हिसाब से। आप मेरे से मन मन करोगे? आओ कल फेस्ट पे करते हैं फीफा मन मन। यार कल एक काम करते, कल ऑडियंस के साथ फीफा मन मन करेंगे, क्या बोलते हो? मावी आया क्या? मावी आया क्या? हाँ कुछ होगा सीन गाइस। आज भाई थोड़ा सा ऑफ डे था यार 8 बिट के लिए, इंडिया की वन ऑफ द टॉप 5 टीम्स आप बोल सकते हो, दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस, बट कोई ना उनका सेकेंड चांस है, प्यार बटो लॉन्डो को पूरा मोटिवेट कर दो। एंड यहाँ पर अल्ट्रॉन भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ये बोलते हैं, भाई खुश है क्या बहुत? क्यों भाई, वेयर आर यू और शेट्टी? घर पे हूं भाई, यू आर हैप्पी पर्सन जॉर्डन। 8 bit eliminate बहुत खराब लगा भाई, 8 bit eliminate हुई पता पड़ा मेरे को भी, 8 bit ultron needed man, it's okay bro, तुम लोग भी बहुत दल बदलो, 8 bit अभी अच्छा खेल रही थी तो तू बढ़िया निकल गया, अब official में अगर qualify नहीं हुई तो भाई 8 bit ultron में से तो सबसे बड़े दल्ले तो चैट वाले ही हैं, मतलब तुमको नहीं बोल रहा अभी currently जो लिख रहा उसको नहीं बोल रहा, बट वैसे बता रहा हूँ कि तुम लोग भी कोई वो नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं यार वो कर लेंगे यार। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि 8 bit का क्या सीन, यार वो नहीं हो पाई क्वालिफाई, मैं मैचेस देख रहा था प्लस मैं तो अपने भाई के साथ शर्त भी लगा लिया था, मेरा भाई बोला कि बहुत मुश्किल है 10-12 पॉइंटर गेम चाहिए, मैंने तो बोला निकाल लेंगे शर्त लगा ले भाई, मैं तो 8 bit पे शर्त लगाया 2000 रुपए की भाई के साथ, सगे भाई के साथ। एंड यहाँ पर मर्सी की तरफ से एक फनी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, एक बात तो है रेगा की कमबैक की स्टोरी देख करके लोगों की जी तो जलती है, बेचारा खेला भी नहीं अब तक फिर भी हेट खा रहा है, एंड थक भी ये बोलते हैं काफी दिन बाद हेटर्स को बचने का मौका मिला है, चलो अच्छा है त्योहार मनाओ, वो क्या है ना हमारे फैंस बच बच के थक गए थे, काफी लंबा टूर्नामेंट है मजा आएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर जोनाथन के बारे में माया भी बात करते हैं, बताते कि जोनाथन कितने डाउन टू अर्थ बंदे हैं। जोनाथन व्हिच वी डोंट नो व्हाई पीपल हेट घातक जस्ट बिकॉज़ ही इज ब्लंट एंड यू थिंक मोनोपोली इन गेमिंग इज टू मच नाउ इन आईजीसी, लास्ट का आई डोंट थिंक बिकॉज़ अब चेंजेस आने लगे हैं, जो इनविटेशनल ओनली थे अब वो क्वालीफायर्स तक जा रहे हैं, तो वो चीज अब धीरे 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 हट रही है। Why people hate Ghatak? Because he is blunt. आपने अपने सवाल में अपना आंसर दे दिया। लोगों को सीधी चीज, जो चीज फैक्ट्स बोली जाती है वो चीज हजम नहीं होती है, लोगों को शुगर कोटेड चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, सो चटाई करने वाले आई थिंक जल्दी ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे को वो आता नहीं है इसलिए मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, और जो ब्लंट है मुंह पे है वो बुराइयां लेते हैं और अपना ग्रो भी करते हैं। समथिंग अबाउट जोनाथन विच वी डोंट नो, यार देखो हाल ही में जब मैं बूट कैंप पे था गॉड लाइक के, मैं जिम विम करा, मैं पूल खेला, उनका जो अरीना है जहाँ पे वो लोग खेलते हैं, तो एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पर मैं और जोनाथन ही थे बस, मतलब मैं बस पूल टेबल सेट करके निकलने ही लगा था और जॉनी आया, सो जोनाथन सामने था, ऑब्वियसली वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ, वो काफ़ी चांसेस थे कि वो मेरे सामने से निकल जाता और अपना खेलने के लिए चला जाता, बट जिस तरीके से वो मिला, बात कर रहा, हाथ हाथ मिलाया और कैसे कुछ बढ़िया ये वो, सो अच्छा लगा, ऑब्वियसली दिल का साफ है और हम्बल है जॉनी को, अपने आप से आई थिंक पता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, वो बिगाड़ने वालों में से नहीं है किसी से, और बेमतलब पे किसी के लिए कुछ बोलना नहीं, बेमतलब पे किसी के लिए कुछ कमेंट नहीं करना, कोई उसको कुछ फालतू बोल भी रहा है तो भी वो अपना चुप है, कुछ रिएक्ट नहीं करना, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। एंड काफी लोग यार ये कह रहे थे कि टीम मायावी भी हैक कर रही है, एंड ये हम पहले भी देख चुके हैं कि करंट ब्लाइंड लाइनअप और एक्स ग्लोबल ईस्पोर्ट्स लाइनअप उनके ऊपर भी यार हैकिंग एलिगेशन में देखने को मिले थे, बट ऐसा नहीं था, एंड यहां पर वापस से मायावी इस चीज के बारे में बात करते हैं। मायावी भाई ये सब हैक्स वाले सीन क्लैरिफाई करें, जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूं होन दो, मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ रहा है इस बार, मैं पिछली बार यहां था जब हैकिंग एलिगेशन हो रहे थे, इस बार मैं यहां हूं, मेरे को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना मेरे को व्यूज देने का मन कर रहा है, एक तो दमदार एलिगेशन नहीं लगा, थोड़ी सी और कोशिश करो, मजा नहीं आ रहा, मेहनत करो थोड़ी सी, थोड़ा सा और वीडियो एडिट को घुमाओ, थोड़ा सा बातों को इधर उधर करो, और सिर्फ डेथ रिप्ले दिखाओ, पीओवी मत दिखाओ, अपना अपना दिखाओ, और एंड्रॉइड का टेलीग्राम आईफोन में लॉगिन करवा के बोल दो कि टेलीग्राम से डाउनलोड है, थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगनी पड़ेगी मेरे भाई, बट कोई नहीं,
फिर भी तुम्हारे ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि लॉकडाउन था, सबके लिए था, बैन था सबके लिए था, सबका हार्ट टाइट था, तुम्हारा भी था, तो आई एम लेटिंग यू ऑन। कमाल, अभी ये टीम वापस ऊपर आ जाएगा, इसको अपन किसी टीयर वन ऑर्ग में डलवाएंगे या फिर जहां पे भी जाना चाहें, ठीक है। उसके बाद जब हम दोबारा टीम उठाएंगे फिर तुम्हारा धंधा एक महीने के लिए फिर चालू हो जाएगा। तो इनका क्या है कि जैसे दिवाली का सीजन होता है तो पटाखे सिर्फ उसी हफ्ते उसी महीने में बिकते हैं, वीकली मतलब मंथली सीजनल धंधा। सो तुम्हारे लिए भी सीजनल धंधा है, एवरी टाइम टीम मायावी इज कमिंग, एवरी टाइम मायावी इज कमिंग विद अ टीम, हमारा धंधा चालू, कम से कम एक महीने का धंधा चालू। ऑल्सो वीडियो में आगे बढ़े तो एनकोर गेम्स की तरफ से एक और गेम हमें देखने को मिलने वाला है, फौजी डोमिनेशन, जिसमें अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलेगा। एंड पहले हमें फौजी गेम देखने को मिला था, बट अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमें इसका देखने को मिलेगा जिसका नाम है फौजी डोमिनेशन। तो बस इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।